मुंगेली जिले के सरगांव में संचालित पुलिस सहायता केंद्र को गृह विभाग द्वारा थाने की स्वीकृति दे दी गई है, जिसका उद्घाटन पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर ने किया। बताते कि पुलिस सहायता केंद्र 2015 से स्कूल भवन में संचालित हो रहा था, जिसे पुलिस प्रथम गृह विभाग ने थाने की स्वीकृति दे दी है। एसपी ने बताया कि 2018 व 19 के वित्तीय विभागीय बजट की स्वीकृति मिलते ही विभागीय मंत्रालय के आदेश अनुसार पुलिस सहायता केंद्र को थाने के रूप में उन्नयन किया गया। वहीं थाने में 65 पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी बल की स्वीकृति मिली है। साथ ही इस थाने के लिए 3 एकड़ की भूमि स्वीकृत की गई है। नई पुलिस बल भर्ती से प्राप्त की जाएगी। फिलहाल उपलब्ध बल से काम चलाया जाएगा। वहीं नेशनल हाईवे पर स्थित पुलिस सहायता केंद्र को थाने का दर्जा प्राप्त होने से लॉ एंड ऑर्डर व पुलिसिंग कार्य में सहूलियत मिल जाएगी। 2018 के बजट में सरगांव थाने का स्वीकृति प्राप्त हो गई थी, परंतु अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ था उसका, जो कि अभी पिछले हफ्ते ही हमको नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ है और उसी आदेश के पालन में कल सरगांव थाने को फॉर्मली शुरुआत की गई है। अभी वर्तमान में जो पुरानी चौकी बिल्डिंग थी उसी में थाने का काम शुरू किया गया है। इसके लिए 3 एकड़ भूमि आवंटन भी हमें शीघ्र प्राप्त हो जाएगा सरगांव में मेन रोड पर ही, और इसके अतिरिक्त 65 पदों की भी स्वीकृति सरगांव थाने के लिए अलग से जिले को प्राप्त हुई है। तो इन सब संसाधनों की वृद्धि से मुझे काफ़ी आशा है कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम प्रिवेंशन का काम और बेहतर तरीके से हो पाएगा। हाईवे पे बहुत लंबे समय से थाने की मांग थी और इस मांग को पूरा किया गया है और इसको हमने शुरुआत की गई। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.clips.in।